नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म एक से एक सतियों से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी सतियां भी हैं जिन्होंने देवताओं से भी ऊपर पद को प्राप्त किया। आज हम आपको जिनकी कथा बताने वाले हैं, उन्हें इस संसार के ही नहीं बल्कि त्रिलोक की सर्वश्रेष्ठ सती माना जाता है। उनका सतीत्व ऐसा था कि देवता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, और देवता तो छोड़िए, उनके सतीत्व के आगे स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए थे। तो आइए आज हम जानते हैं त्रिदेवों और त्रिदेवियों तक को विवश करने वाली उन सती के बारे में, जिनका नाम है माता अनुसुया। परमपिता ब्रह्मा के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, जिनका विवाह ब्रह्मा के वाम अंग से उत्पन्न होने वाली शत्रुपा से हुआ। इन दोनों की 5 संतानें थी, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति एवं प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति एवं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था कपिल, और उन्हें 9 कन्याएं प्राप्त हुई। वे 9 कन्याएं थी कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति एवं शांति। इन्हीं 9 पुत्रियों में से एक अनुसूया ने अपने सतीत्व की पराकाष्ठा से स्वयं देवताओं को भी हतप्रभ कर दिया। देवी अनुसूया का विवाह ब्रह्मापुत्र और सप्तर्षियों में से एक महर्षि अत्रि से हुआ। उन्होंने कहा है कि केवल अखंड पतिव्रत धर्म का पालन करके भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संसार की सर्वश्रेष्ठ सती एवं पतिव्रता स्त्रियों में देवी अनुसूया अग्रगणी मानी जाती हैं। उन्हें त्रिदेवों की माता का स्थान प्राप्त हुआ, जिन्होंने तीनों को दुग्धपान कराया। यह सम्मान आज तक किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी एवं देवी पार्वती में यह बहस हो गई कि उनमें से संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तीनों स्वयं को सबसे बड़ी सती बता रही थी, किंतु जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसके निर्णय के लिए त्रिदेवों के पास जाने का निश्चय किया। जब उन तीनों ने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता के बारे में पूछा, तब तीनों ने एक ही स्वर से अनुसूया का नाम लिया। इससे त्रिदेवियां बड़ी अप्रसन्न हुई और कहा कि हम देवियों के रहते एक मानव कैसे श्रेष्ठ हो सकती है। उन्होंने त्रिदेवों से प्रार्थना की कि वे अनुसूया की परीक्षा लें, ताकि हम भी उसका पतिव्रत देख लें। तब भगवान विष्णु ने सबको समझाया कि अकारण किसी सती के पतिव्रत की परीक्षा लेना उचित नहीं है, किंतु देवियों के हट के आगे त्रिदेवों की एक न चली। विनाश काले विपरीत बुद्धि समझकर तीनों अनुसूया की परीक्षा लेने साधु वेश में पृथ्वी पर आए। जब वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे, तब महर्षि अत्रि कहीं बाहर गए हुए थे। देवी अनुसूया ने तीनों ब्राह्मणों का उचित आदर सत्कार किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। तब ब्राह्मण रूपी ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवी, हमारा एक नियम है कि हम तभी भोजन ग्रहण करते हैं जब हमें कोई निर्वस्त्र होकर भोजन करवाता हो। इस पर अनुसूया ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक ब्याहता स्त्री हूँ, फिर मैं किस प्रकार आप लोगों को निर्वस्त्र हो भोजन करवा सकती हूँ? आपको इस प्रकार की अनुचित बात मुझसे नहीं करनी चाहिए। इस पर त्रिदेवों ने रूठने का नाटक करते हुए कहा कि यदि वे उनके इस व्रत की रक्षा नहीं कर सकती तो वे भूखे ही उनके द्वार से लौट जाते हैं। अब तो माता अनुसूया बड़े धर्म संकट में पड़ गई। यदि उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाती हैं तो उनका पतिव्रत भंग होता है, यदि ऐसा नहीं करती तो आतिथ्य धर्म की हानि होती है। ऐसे संकट समय में उन्होंने अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया। महर्षि अत्रि ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे देवी अनुसूया को यह पता चल गया कि ये तीन ब्राह्मण वास्तव में त्रिदेव हैं। त्रिदेवों को अपने समक्ष देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु समस्या अभी भी वही थी कि उन्हें भोजन कैसे कराया जाए। स्वर्ग से यह दृश्य देखकर त्रिदेवियां बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि या तो आज अनुसूया का पतिव्रत धर्म भंग होगा या फिर आतिथ्य धर्म। तब कुछ सोचकर देवी अनुसूया ने कहा कि मैं त्रिदेवों को साक्षी मानकर यह कहती हूँ कि यदि मैंने तन, मन, प्राण और वचन से केवल अपने पति महर्षि अत्रि का ही चिंतन किया हो तो ये तीनों तत्काल शिशु बन जाएं। उनके इस वचन से ब्रह्मांड हिल गया। त्रिदेव स्वयं को की गई प्रार्थना कैसे ठुकराते। तीनों लीला दिखाते हुए 6-6 मास के शिशुओं में परिवर्तित हो गए। उसके बाद देवी अनुसूया ने निसंकोच निर्वस्त्र होकर तीनों को आकंठ दुग्धपान कराया। त्रिदेव भी उनके पुत्र की भांति माता का दुग्धपान कर गहरी निद्रा में सो गए। तभी महर्षि अत्रि भी वापस आश्रम में लौटे और शिशु रूप में त्रिदेवों को सोता देखकर उनसे आशीर्वाद लिया। अब तो उधर त्रिदेवियां घबराई। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि देवी अनुसूया इस प्रकार का कोई हल निकाल सकती है। उन्हें तत्काल समझ में आ गया
कि क्यों उनके पतियों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता घोषित किया था। लेकिन अब त्रिदेवों के ना होने से समस्त जगत में हलचल मच गई, देवता भयभीत हो गए। तब त्रिदेवियों ने त्रिदेवों से कहा कि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अनुसूया ही सर्वश्रेष्ठ सती है, अतः अब वे वापस आ जाएं। उन्होंने वापस आने में अपनी असमर्थता बताई। महादेव ने कहा, हे देवियों, नारायण ने तो आपसे पहले ही कहा था कि अकारण एक सती की सतीत्व की परीक्षा लेना उचित नहीं है, किंतु आप लोग नहीं माने। यह सच है कि त्रिलोक हम त्रिदेवों की इच्छा से ही चलता है, किंतु अभी तो हम अनुसूया के पुत्र के रूप में उनकी गोद में हैं। अभी वे हमारी माता है, इसी कारण हम उनके अधीन हैं, इसीलिए उनकी आज्ञा के बिना हम वापस नहीं आ सकते। अतः यदि आप सब हमें वापस चाहती हैं तो हमारी माता से ही विनती कीजिए। महादेव तो यह कहकर चुप हो गए, किंतु अब त्रिदेवियां क्या करती। विवश होकर उन्हें पृथ्वी पर महर्षि अत्रि के आश्रम में आना पड़ा। जब महर्षि अत्रि और देवी अनुसूया ने त्रिदेवियों को अपने आश्रम में आया देखा तो उन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी अभ्यर्थना की। फिर देवी अनुसूया ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे देवी, तुमसे क्या छुपा है? अब तक तो तुम यह जान ही गई होगी कि यह तीनों त्रिदेव हैं। तुम्हारा पतिव्रत धन्य है जिसके वश में ये तीनों शिशु बनकर तुम्हारा स्तनपान कर सोए हुए हैं। किंतु त्रिदेवों के ना रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, अतः तुम इन्हें मुक्त कर दो। यह सुनकर अनुसूया ने कहा कि माता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप सब अपने अपने पतियों को उठा लें, आपकी गोद में आते ही ये पुनः अपने स्वरूप में आ जाएंगे। यह सुनकर वो तीनों उन शिशुओं के पास पहुंची, किंतु उनकी सूरत और वेशभूषा इतनी मिलती थी कि तीनों यह निर्णय ही नहीं कर पाई कि उनमें से कौन उनके पति हैं। लेकिन फिर यह सोचकर कहीं अनुसूया अपनी बात से पलट ना जाए, तीनों ने जल्दी जल्दी एक एक शिशुओं को उठा लिया। उनकी गोद में आते ही त्रिदेव अपने स्वरूप में आ गए। तब पता चला कि भूलवश माता सरस्वती ने महादेव को, माता लक्ष्मी ने ब्रह्मदेव को और माता पार्वती ने श्रीहरि को उठा लिया था। यह देखकर तीनों बड़ी लज्जित हुई। जाने से पहले त्रिदेवों ने अनुसूया से कहा कि वे उनकी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, इसीलिए कोई वरदान मांगे। तब अनुसूया ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिदेव, थोड़े ही समय के लिए ही सही, किंतु आप तीनों को अपने पुत्र के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। किंतु इतने थोड़े समय में ही मुझे आप तीनों के बाल रूप से मोह हो गया है। अतः अगर आप मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लें। त्रिदेवों ने तथास्तु कहा और अपने अपने लोक लौट गए। समय आने पर अनुसूया के गर्भ से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय एवं शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। रामायण में वनवास के समय श्री राम लक्ष्मण और देवी सीता के साथ महर्षि अत्रि के दर्शनों को आए। वहां माता अनुसूया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। साथ ही उन्होंने देवी सीता को कभी ना मैले होने वाले वस्त्र और आभूषण भी उपहार में दिए। देवी सीता ने लंका में मंदोदरी द्वारा दिए गए वस्त्रों को स्वीकार नहीं किया और माता अनुसूया द्वारा दिए गए उन दिव्य परिधानों को ही धारण किया जो कभी मैले नहीं होते थे। यही नहीं, लंका से लौटने के बाद स्वयं माता सीता ने कहा कि वनवास में माता अनुसूया द्वारा दिए गए पतिव्रत धर्म के शिक्षा के कारण ही मेरे सतीत्व की रक्षा हुई। धन्य है भारत भूमि जहाँ ऐसी महान सतियों ने जन्म लिया है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्मसंसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।